जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर बगीचों पर पड़ रहा है। अभी तक किसान विभिन्न रोगों पर दवाइयों का स्प्रे कर बागों को नुकसान से बचा रहे थे, लेकिन अब बढ़ती ठंड ने केले की मांग को कम कर दिया है, जिसके चलते किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। केला तीनों मौसम में उगाई जाने वाली एकमात्र फसल है। हालांकि इस साल फल लगने से शुरू हुआ संकटों का सिलसिला अब केले की कटाई के बाद भी जारी है। बेमौसम बारिश और जलवायु परिवर्तन के कारण केले के बागों पर कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ने लगा था। किसान जहां अभी तक इससे हुए नुकसान से उभरे ही नहीं थे, कि वही अब कड़ाके की ठंड एक बार फिर से फसल के लिए घातक हो गई है। किसानों को हर साल 6 से 7 प्रति किलो केला का औसतन 50 रुपए का मूल्य मिलता था, लेकिन इस साल यह आधा हो गया, क्योंकि उपभोक्ता बढ़ती ठंड के कारण केला खरीदने से दूर हो रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि जलवायु परिवर्तन का असर निकट भविष्य में उगाए जाने वाले केले पर भी पड़ रहा है, इसलिए इस ठंड के मौसम में फूल नहीं लगने चाहिए। इसका कारण है कि अत्यधिक ठंड के कारण सर्दियों में केले के फूल का गुच्छा अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। ऐसे में किसानों को अपने बागों का ध्यान रखना ही एकमात्र विकल्प है। इस समय ठंड से मराठवाड़ा में फसलें नष्ट हो रही हैं। इसका असर रबी सीजन की फसल पर भी पड़ रहा है। रबी मौसम की फसलों के लिए ठंड को पोषक तत्व माना जाता है, लेकिन किसानों को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं ज्यादा ठंड होने पर फसल बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि बढ़ते ठंड और सूखे के कारण केले के बागों पर कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ रेट कम देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब किसानों को केले के बाग लगाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों ने व्यापारियों की मांग के अनुसार केले की कटाई और भंडारण किया है, लेकिन अब व्यापारियों का कहना है कि ठंड के कारण उपभोक्ताओं की ओर से कोई मांग नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।